अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 24, 48 एंड 60 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हमारे पास हैं जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है और फिर ही हम उसका एलसीएम जो है इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिवाइड हमें प्राइम नंबर से करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 3, 5, 7 और इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं। ये नंबर्स सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल में आते हैं और इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आ सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ हमारे पास इस वक्त जो तीन वैल्यूज़ हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है वो है 24, 48 एंड 60। तो जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर जीरो हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पर हमें तीनों वैल्यूज 2 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही हैं तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के लेवल में 2 बिल्कुल आता है 1 पे और 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। 2 के लेवल में 4 आता है 2 पे, 8 आता है 4 पे, 2 के लेवल में 6 भी बिल्कुल आता है 3 पे एंड 2 टाइम 0 इज 0। अभी भी तीनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के लेवल में 12 आता है 6 पे, 2 आता है 1 पे, 4 आता है 2 पे और 2 के लेवल में 3 नहीं आता लेकिन उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के लेवल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अभी भी इनमें से कुछ वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं तो जो वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं उन्हें 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के लेवल में 6 आता है 3 पे, 12 आता है 6 पे, 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए 15 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अभी भी हमें यहाँ पे 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से। बाकी दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड नहीं हो सकती इसलिए उन दोनों को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। 2 के लेवल में 6 आता है 3 पे। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और यहाँ पे तीनों वैल्यूज हमें 3 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि 3 के लेवल में 3 आता है 1 पे और 3 के लेवल में 15 आता है 5 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 5, जैसे कि हमें पता है खुद एक प्राइम नंबर है, 5 को हमें 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 5 के लेवल में 5 आता है 1 पे। बाकी दो वैल्यूज कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं और यहाँ पे ये 5 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। अब हम इन तीनों वैल्यूज को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को जिनसे हमने इन तीनों जो वैल्यूज को एंड तक डिवाइड किया उन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, काउंट कर लेते हैं कितने 2s हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 16 टाइम 3 इज 48 और 48 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 5 से, वो हम रफ़ में कर लेते हैं। 48 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम 8 इज 40 का 0, 4 कैरी, 5 टाइम 4 इज 20 प्लस 4 24। मीन्स हमारा यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 24, 48 एंड 60 का जो कि है 240। देखा आपने कितनी जल्दी से बाय डिवीजन मेथड हमने जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।